गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखिए, अपन ने इस लेसन के साथ कार्बनिक यौगिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया है और अपन ने बताया था यहाँ पे जो अपने अभिक्रिया वाले चार लेसन हैं उनमें जितने भी अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, नाइट्रो एल्केन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, ये इतने कार्बनिक यौगिक हैं जो अपन इन चार लेसनों के अंदर पढ़ेंगे। और ये अभी जो अपना चल रहा है ये इनमें से पहला लेसन है जिसके अंदर हैलोजन यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो अपन ने बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिकों का अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे उनमें अध्ययन करने का एक ऑर्डर है। सबसे पहले उसकी यौगिक की परिभाषा, फिर उसका वर्गीकरण, फिर उसका नामकरण, और यदि समावयता जरूरी है तो समावयता उनकी, और फिर उस यौगिक को बनाने की विधियां, फिर उस यौगिक के भौतिक गुण, और फिर उस यौगिक के रासायनिक गुण, और फिर उसके कोई इम्पोर्टेंट उपयोग है तो वो। तो ये कार्बनिक यौगिक को स्टडी करने का एक फिक्स ऑर्डर है, यही चलेगा। तो अपना हैलोजन यौगिक में चल रहा है हेलो एल्केन। अपन ने हैलोजन यौगिक में स्टार्ट किया था हेलो एल्केन को स्टार्ट किया था। अपन हेलो एल्केन की परिभाषा कर चुके हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर चुके हैं, और हेलो एल्केन का नामकरण है वो भी कर चुके हैं। और फिर लास्ट वाली क्लास में अपन ने हेलो एल्केन का कक्षकीय आरेख बनाया था, और हेलो एल्केन में जो सी एक्स बंद होता है उस सी एक्स बंद की प्रकृति को भी अपन ने लास्ट क्लास में बताया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसी ऑर्डर में, अगला स्टेप हेलो एल्केन बनाने की विधियां कि अपन किन किन विधियों द्वारा हेलो एल्केन को बना सकते हैं, किन किन कार्बनिक यौगिकों को अपन हेलो एल्केन में बदल सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पे पहली जो विधि है वो देखिए, अब यहां से अपनी जो अभिक्रियाएं हैं कार्बनिक यौगिकों को कन्वर्ट करने की, एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में बदलने की वो अभिक्रियाएं हैं, वो यहां से स्टार्ट हो जाती है। जो अपन को इन पे जो पकड़ है वो एकदम मजबूत रखनी है कि किस प्रकार कोई कार्बनिक यौगिक है वो दूसरे कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे अपन को मजबूती बना के रखनी है जिससे अपना जो केमिस्ट्री का जो लेवल है वो ग्रोथ होता है। अब देखिए, हेलो एल्केन बनाने की विधियां है उसमें पहली है एल्केन जो कि हाइड्रोकार्बन होता है के क्लोरीनीकरण द्वारा, तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों में पहला है एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा। अब देखिए, एल्केन में अपन को क्या जोड़ना है, क्लोरीन, क्लोरीन का जोड़ना क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीन एक क्या है, हैलोजन होता है, क्लोरीन एक क्या होता है, हैलोजन, तो अपन इसे हैलोजनीकरण भी बोल सकते हैं। तो इस विधि में अब अपन देखो यहां एल्केन को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें हेलो एल्केन, तो एल्केन को हेलो एल्केन में बदलना है तो सीधा सा आप सोच सकते हो एल्केन में क्या जोड़ दो, हैलोजन जोड़ दो, एल्केन में जैसे ही हैलोजन जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो अपन है एल्केन का क्या करवा देंगे,
हैलोजन जोड़ने के लिए करवा देंगे एल्केन का हैलोजनीकरण। और यहां अपन हैलोजन कौन सा ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे, तो इसे बोल दिया क्लोरीनीकरण। और यहां अपन को हेलो एल्केन कौन सा प्राप्त होगा, क्लोरीन है तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्लोरो एल्केन। तो देखिए यहां पे अपन क्या करेंगे, एल्केन के रूप में ले लेंगे मैथेन, ये एल्केन है तो एल्केन के रूप में ले लिया मैथेन। और क्लोरीनीकरण करवाना है तो अपन क्रिया करवा देंगे क्लोरीन से Cl2। अब मैथेन की जो क्लोरीन से क्रिया है, मैथेन की जो क्लोरीन से क्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और यहां पे जो अभिक्रिया होती है वो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, यहां जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगी। अपन को पता है मुक्त मूलक का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो इसलिए यहां पे मुक्त मूलक बनाने के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए मैथेन की क्लोरीन से क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब यहां देखो एक मुक्त मूलक है वो दूसरे मुक्त मूलक को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। तो यहां अपन ने ली है क्लोरीन, तो क्लोरीन से बनेगा क्लोरीन मुक्त मूलक, और ये क्लोरीन मुक्त मूलक है वो यहां से हाइड्रोजन को मुक्त मूलक के रूप में क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। यानी यहां एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा एक क्लोरीन, तो यहां से एक हाइड्रोजन गया तो CH4 की जगह क्या बचा, CH3। और कार्बन की एक संलग्नता कम हो गई और उस हाइड्रोजन की जगह यहां पे जुड़ गया क्लोरीन, तो मैथेन में क्लोरीन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया। अब देखिए यहां पे अपन को प्राप्त हो गया क्लोरो एल्केन, कार्बन संलग्न से क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो ये हेलो एल्केन हो गया, क्लोरो एल्केन नहीं। अब इसका नाम देखिए, हैलोजन को प्रतिस्थापी माना जाता है तो Cl को प्रतिस्थापी के रूप में सबसे पहले लिख देंगे क्लोरो, फिर एक कार्बन के लिए मैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया क्लोरो मैथेन। अब देखिए यहां से जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा वो यहां दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, HCl। तो इस प्रकार मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है और निर्माण होता है क्लोरोमैथेन और HCl। तो ये हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि है। अब देखिए यहां पे अपन ने अभिक्रिया का सीधा समीकरण लिखा है, यहां पे अपन को कुछ खुल के पता नहीं चल रहा है कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन किस प्रकार होगा, तो अब अपन देखेंगे इसकी क्रिया विधि। अब अपन इसकी क्रिया विधि देखेंगे और वहां पे अपन को पता चलेगा कि यहां मुक्त मूलक का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार एक मुक्त मूलक ने दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित किया और अपन को उत्पाद प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पे क्रिया विधि में पहले पद में क्या होता है, जो अपना अभिकारक है, अपने पास अभिकारक कितने हैं, दो, मैथेन और क्लोरीन, ये दोनों अभिकारक हैं और क्लोरोमैथेन और HCl उत्पाद है।
आपने 10th और 11th में सीखा हुआ है कि कोई भी अपन समीकरण लिखते हैं तो जो बीच में एरो होता है तीर, तीर है वो दिखाता है अभिक्रिया की दिशा को, यानी अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है। अब इस तीर के लेफ्ट साइड में, इस तीर के लेफ्ट साइड में होते हैं अभिकारक और इस तीर के राइट साइड में होते हैं उत्पाद। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब देखिए यहां क्रियाविधि में पहले पद में क्या होगा, ये जो अपना अभिकारक है क्लोरीन, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, समास विखंडन होगा, समास विखंडन। अब देखिए समास विखंडन का मतलब इस बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका समान रूप से बंटवारा। अपन को पता है मुक्त मूलक है वो प्रकाश की उपस्थिति में कोण से विखंडन द्वारा बनता है, समास विखंडन द्वारा बनता है। तो यहां क्लोरीन है उसमें प्रकाश की उपस्थिति में होता है समास विखंडन। अब इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, अब समास विखंडन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन पे, तो ये समास विखंडन हो गया, समान बंटवारा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इन क्लोरीन के पास गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन पे आ जाएंगे डॉट के रूप में, तो ये बन गया दो सीएल डॉट। ये डॉट का साइन है वो उस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और जिस पे डॉट होता है उसे अपन कहते हैं मुक्त मूलक। तो ये अपने पास बन गया क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है, क्लोरीन मुक्त मूलक कितने बने, दो। अब देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अपना जो दूसरा अभिकारक है मैथेन, उस पर अटैक करेगा एक क्लोरीन मुक्त मूलक। अब यहां पे देखिए जब मैथेन पे क्लोरीन मुक्त मूलक आक्रमण करेगा तो यहां पे अभिक्रिया होगी कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये जो क्लोरीन है वो इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और निर्माण होगा अपने मुख्य उत्पाद क्लोरो मैथेन का। अब क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और जो क्लोरीन पे डॉट का साइन था वो डॉट का साइन आ जाएगा हाइड्रोजन पे। तो आप देख सकते हो क्लोरीन मुक्त मूलक ने प्रतिस्थापित कर दिया हाइड्रोजन मुक्त मूलक, यानी एक मुक्त मूलक को दूसरे मुक्त मूलक ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये हो गया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। अब देखिए अभिक्रिया को समाप्त करने के लिए अपन बहुलक वाले में बता चुके हैं कि मुक्त मूलक अभिक्रिया को समाप्त करने के लिए अपन को जो डॉट का साइन है उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां पे CH3Cl का निर्माण तो हो गया, अब दूसरा उत्पाद है HCl, इसका निर्माण देखिए कैसे होगा। यहां पे अपने पास आया हाइड्रोजन मुक्त मूलक और यहां पर है दो क्लोरीन मुक्त मूलक बने थे, एक तो यहां काम आ गया और जो दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक है वो यहां पे बचा हुआ है। अब ये दोनों आपस में कर लेंगे क्रिया, तो देखिए इनके बीच क्रिया होगी और इनके मुक्त मूलक का निशान है वो गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसे देखिए, अब इस मुक्त मूलक का मतलब होता है एक
इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। और अपन जानते हैं दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध का निर्माण होता है, तो ये इन दोनों के बीच बंध बन गया और ये निर्माण हो गया HCl का, ये आ गया अपना दूसरा हुआ। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि है, एल्केन के क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण द्वारा। अब देखिए इस अभिक्रिया में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और भी है जिसको अपन को ध्यान में रखना है। अब इस अभिक्रिया के लिए आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? यदि मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा क्लोरोमेथेन तथा HCl का निर्माण होता है, ये इसकी लैंग्वेज है। अब इस अभिक्रिया में जो अपन दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, देखिए यदि इस अभिक्रिया में मैथेन है उसकी क्रिया करवाई जाए क्लोरीन के आधिक्य के साथ, यानी यदि अपन इस अभिक्रिया में क्लोरीन को ले ले अधिक मात्रा में तो क्या होगा? तो देखिए अभी जो अपन ने क्रिया लिखी थी वहां पे तो एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ था, अपना एक ही हेलो एल्केन बना था क्लोरोमेथेन। अब यदि यहां पर अपन को क्लोरीन आधिक्य में मिल जाए तो यहां उत्पाद के रूप में चार हेलोजन यौगिकों का निर्माण होता है। क्लोरीन आधिक्य में होगी तो अपन को कितने हेलोजन यौगिक प्राप्त होंगे? चार। देखिए किस प्रकार यहां पे भी कोई प्रकाश की उपस्थिति होगी तो सबसे पहले यहां पे क्लोरीन है वो इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और वो ही प्राप्त होगा जो अभी प्राप्त हुआ था, सबसे पहले क्लोरोमेथेन। प्लस HCl। अब यहां क्लोरीन क्या है? आधिक्य में, तो क्लोरीन अधिक मात्रा में है तो ये क्लोरीन यहां बने हुए क्लोरोमेथेन से फिर से क्रिया करेंगे तो ये क्लोरोमेथेन से क्रिया कर लेगी क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन है वो इसके एक और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। अब मैथेन में देखो कितने हाइड्रोजन थे? चार। मैथेन में कितने हाइड्रोजन थे? चार। तो ये अभिक्रिया तब तक चलेगी जब तक मैथेन के चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाते, तो ये क्लोरीन इसके साथ तब तक क्रिया करेगा जब तक इसके चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा क्लोरीन, तो हाइड्रोजन से बचे दो और क्लोरीन भी कितने हो गए? दो, तो प्राप्त हो गया CH2Cl2 प्लस साथ में HCl। अब ये डाइक्लोरो यौगिक बन गया, यहां पे तो क्लोरो कितना था? एक, ये तो मोनोक्लोरो यौगिक था, यहां क्लोरीन हो गए दो तो ये डाइक्लोरो यौगिक हो गया। तो देखिए डाई क्लोरो कार्बन एक ही है मैथेन, डाई क्लोरो मैथेन, ये दूसरा यौगिक बन गया, अपने बाद चार यौगिक बनेंगे।
है ये डाइक्लोरोमेथेन से क्रिया करेगी। तो क्लोरीन इसके एक और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अब हाइड्रोजन बचेगा एक, क्लोरीन हो जाएंगे तीन, तो प्राप्त होगा CHCl3। तो ये ट्राइक्लोरोमीन आ गया, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब देखिए तो साथ में HCl हो जाएगा। अब ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इस पे अभी एक हाइड्रोजन और शेष है, तो ये फिर से क्रिया करेगा इसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब ये जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है ये भी क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन एक ही नहीं रहेगा और क्लोरीन कितने हो जाएंगे, चार। तो ये प्राप्त होगा CCl4, ये टेट्रा क्लोरो मेथेन प्लस HCl। अब देखिए यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्रिया यहीं तक होगी और अपन को चार हाइड्रोजन यौगिक है वो प्राप्त हो जाएंगे। एक तो मोनोक्लोरो यौगिक, एक डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो। तो ये अपन को करना है, जब क्वेश्चन क्या आए, क्या होगा यदि मैथेन की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य से करवाई जाए, तब अपन को ये चारों लिखनी है, तब अपन को ये चारों लिखनी है। अब देखें जो क्लोरोमेथेन है इसका सामान्य नाम होता है CH3 के लिए मेथिल और Cl के लिए क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए डाइक्लोरोमेथेन, अब डाइक्लोरोमेथेन देखिए एक ही कार्बन पर कितने हैलोजन जुड़े हैं, दो, और अपन ने वर्गीकरण में बताया था एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो तो उसे जेम डाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम डाइलाइड। तो ये एक जेम डाइलाइड है, इसका नाम होता है CH2 के लिए मेथिलीन, Cl के लिए क्लोराइड। तो ये हो गया मेथिलीन क्लोराइड, आप इसे मेथिलीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो क्योंकि यहां पे Cl कितने हैं, दो, लेकिन नॉर्मली इसे मेथिलीन क्लोराइड लिखा जाता है। तो यहां तो है मेथिल क्लोराइड और ये है मेथिलीन क्लोराइड, ये ध्यान रखना। तो मेथिलीन क्लोराइड क्या होता है, CH2Cl2, और ये है जेम डाइक्लोराइड। अब देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन, एक ही कार्बन में तीन हैलोजन, एक ही कार्बन में तीन हैलोजन, और ये अपने वर्गीकरण में आया था एक ही कार्बन में तीन हैलोजन हो तो उसको हेलोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफॉर्म, और यहां पे हैलोजन कौन है, क्लोरीन है, तो ये है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, जिसे अपन बेहोशी की दवा भी कहते हैं। अब देखिए टेट्राक्लोरोमेथेन, इसे अपन ने वर्गीकरण में नाम दिया था पायरीन, वर्गीकरण में अपन ने इसको कहा था पायरीन। इसको पायरीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आग बुझाने में काम आता है, और आग है उसको कहा जाता है पायरो, तो पायरो से यानी आग से संबंधित है, ये आग बुझाने के काम आता है, इसलिए इसका नाम होता है पायरो। तो देखिए इस अभिक्रिया द्वारा जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य से करवाते हैं तो अपन को कितने कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो गए,
कितने कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो गए, 4, और इनका औद्योगिक महत्व भी है। पाइरीन है वो आग बुझाने के काम आता है, क्लोरोफॉर्म है वो बेहोशी की दवा के रूप में काम आता है। तो औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए, औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो अभिक्रिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 हैलोजन यौगिक बन रहे हैं, यानी इन 4ों का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन इस मिश्रण में आप जो जितने भी हैलोजन यौगिक हैं उनको अलग अलग कर सकते हो परभाजी आसवन विधि द्वारा। आप ये जो 4ों हैलोजन यौगिक बने हैं इनको परभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हो और इन्हें अलग अलग उपयोग में ले सकते हो। अब देखिए, ये तो इसकी विशेषता हो गई कि ये क्यों उपयोगी है, ये वाली अभिक्रिया औद्योगिक रूप से ये उपयोगी है क्योंकि यहाँ पे 4 हैलोजन यौगिक बन रहे हैं जिनके अलग अलग उपयोग है और इनको परभाजी आसवन विधि द्वारा अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो इनका क्या है कि विशेषता हो गई, औद्योगिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इस अभिक्रिया की कमी क्या है, अब अपन बात करते हैं कि इस अभिक्रिया की कमी क्या है। तो देखो यहां पे यदि मैथेन की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य से करवाई जाए तो 4 हैलोजन यौगिकों का मिश्रण बनता है। 4ों हैलोजन यौगिकों क्या बनता है, मिश्रण। अब इनको अलग अलग करना आसान नहीं है, परभाजी आसवन विधि काम में लेनी पड़ती है। तो यानी यहां पे जो अपना हैलोजन यौगिक है, हेलो एलिन है, वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता। अपन ने जब मैथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाई थी नॉर्मल, इससे पहले वहां क्लोरोमेथेन ओनली क्या बना था, क्लोरोमेथेन वो एकदम अकेला बना था, यानी वो क्या था, शुद्ध। लेकिन यहां पर 4 हैलोजन यौगिकों का मिश्रण बना है इसलिए यहां पे शुद्ध हेलो एलिन प्राप्त नहीं होता, ये इसकी अपन कमी कह सकते हैं। तो इसकी कमी भी है और ये विशेषता भी है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। मैथेन की क्रिया जब क्लोरीन के आधिक्य से करवाई जाए तो अपन को ये 4ों यौगिक है वो बनाने हैं, और आधिक्य नहीं दिया जाता है तो केवल अपन को एक ही समीकरण लिखनी है, मैथेन प्लस Cl2 क्लोरोमेथेन प्लस HCl, प्रकाश की उपस्थिति दिखानी है तीर के ऊपर। तो इस प्रकार से अपने पास फ्यूचर है वो कैसे भी आ सकता है। अब देखिए, तो ये हेलो एलिन बनाने की पहली विधि हो गई। अब एल्कीन में अपन को जोड़ना
हाइड्रोजन, तो किससे क्रिया कराओगे? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ना हो तो क्रिया करा दो हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे क्रिया करा दो? हाइड्रोजन हैलाइड HS। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एल्कीन की HX से क्रिया द्वारा। तो एल्कीन की HX से क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा? हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो देखिए ये अपन ने ले ली एल्कीन। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है? दो कार्बन एक डबल बॉन्ड ईन एथीन। एल्कीन के रूप में एथीन ले ली और हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में ले लेंगे HCl। एक्स हैलोजन के रूप में क्या ले लिया? HCl। अब देखिए एल्कीन की क्रिया जब HCl से करवाई जाती है तो ये क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ये होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, यानी यहां HCl का क्या होगा? योग होगा। HCl का क्या होगा? योग। यानी ये क्रिया होगी योगात्मक, यानी HCl है वो पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन भी एल्कीन में जुड़ जाएगा और हैलोजन भी एल्कीन में जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, क्लोरीन भी जुड़ेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। अब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़ रहे हैं, योग हो रहा है, इसलिए ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। और अपन 11th में बता चुके हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो वहां योगात्मक अभिक्रिया है वो दो प्रकार की बताई थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और नाभिक स्नेही योगात्मक। यदि पहले योग होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और यदि पहले योग होता है नाभिक स्नेही का तो उसको कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक। तो यहां पहले योग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इससे यह है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही वो स्पीशीज होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए HCl में H पे होता है प्लस, Cl पे होता है माइनस, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3.2, तो क्लोरीन पे माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा कौन? H प्लस। तो ये H प्लस है वो यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इस एल्कीन में पहले योग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा, H प्लस का होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। योग तो Cl माइनस का भी होगा लेकिन पहले किसका होगा? H प्लस का, और वो एक क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए लिख जाएगा नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब देखिए अपन ने एल्कीन ली है, एथीन क्या ली है? एथीन ली है। अब एथीन में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम टू सेम है। डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम टू सेम है, इसलिए ये एल्कीन कैसी है? सममित एल्कीन है। तो यदि किसी एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कंडीशन हो उसको कहते हैं सममित एल्कीन। अब देखिए सममित एल्कीन में क्या होता है, यदि कोई अभिकर्मक क्रिया करने के लिए आता है
तो सममित एल्कीन में जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है, अब देखो डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। अब जब कोई अभिकर्मक इससे क्रिया करने के लिए आएगा तो सिग्मा और पाई में से कौन सा टूटेगा? पाई टूटेगा, क्योंकि अपन बता चुके हैं पाई बंध क्या होता है, कमजोर होता है। तो देखिए अब यहां एल्कीन कैसी है, सममित। अब जब इस एल्कीन से HCl क्रिया करने के पास आएगा तो ये डबल बॉन्ड का पाई बंध है वो टूटेगा। तो अब समस्या ये है कि ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन को दिए जाए। तो इसमें आप इस प्रकार से समझ सकते हो, यदि एल्कीन कैसी हो, सममित हो, तो यहां आप डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कार्बन को दे सकते हो। कब? जब एल्कीन कैसी हो, सममित हो, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कंडीशन क्या हो, सेम टू सेम हो। तो ये सममित एल्कीन है, इधर भी CH2 इधर भी CH2 सेम है दोनों तरफ, तो आप डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्बन को भी दे सकते हो या इसको भी दे सकते हो। तो अपन अपनी इच्छा से डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको, इस कार्बन। अब ये प्रभाव कौन सा है, 11th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, एक प्रभाव पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, कि यदि एल्कीन या एल्काइन के पास कोई बाह्य अभिकर्मक आता है, बाह्य अभिकर्मक या तो इलेक्ट्रॉन से ही या नाभिक से, बाह्य अभिकर्मक होगा तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है उनका किसी कार्बन के पास स्थानांतरण हो जाता है, इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और ये बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, वरना नहीं होता। तो बाह्य अभिकर्मक यहां पे है HCl, तो ये इसके पास आएगा, तो जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पे स्थानांतरित हो जाएंगे। अब यहां पे एल्कीन है वो सममित है, तो अपन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी भी कार्बन के पास कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने इस कार्बन पे कर दिया, अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे आ जाएगा माइनस और दूसरे वाले पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए अपन को पता है विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी प्लस जाता है माइनस के पास और माइनस जाता है प्लस के पास। तो देखिए ये जो H प्लस है, ये H प्लस यहां पे क्रिया कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, तो पहले योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो ये जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा CH2 माइनस के साथ, तो CH2 माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा, CH3, और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और इधर CH2 पे है प्लस। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स ने का योग हो गया और अपन को प्राप्त हुआ ये। यहां कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अपन 11th में बता चुके हैं ऐसा मध्यवर्ती जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं कार्बो केटायन। क्या कहते हैं, कार्बो केटायन। अब CH3CH2 कहते हैं एथिल, और कार्बन पे प्लस है तो इसको कहेंगे कार्बो केटायन। तो ये निर्माण हो गया किसका, एथिल कार्बो केटायन। अब देखिए अब योग होगा किसका, Cl- का। अब योग हो जाएगा किसका, Cl- का। अब Cl- है तो जुड़ जाएगा CH2 प्लस के साथ, तो ये CH3CH2Cl, तो ये अपन को प्राप्त हो गया अपना हेलो एल्कीन। Cl प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो, दो कार्बन है, एक
और सिंगल बॉन्ड के लिए A। तो एथीन की अभिक्रिया करवाई HCl से, तो अपन को प्राप्त हो गया हैलोजन कौन सा, क्लोरो एथेन। यहां पहले स्टेप में योग हुआ इलेक्ट्रॉन्स नहीं का H प्लस का, और दूसरे स्टेप में योग हुआ डबल नहीं का Cl माइनस का। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरे स्टेप में हैलोजन जुड़ गया, तो ये एल्कीन का क्या हो गया, हाइड्रो हैलोजनीकरण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार पर एल्कीन को हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा बदल सकते हैं हेलो एल्कीन। अब देखिए यहां पे तो एल्कीन कैसी थी, सममित थी, तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन ने अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को दे दिए थे। लेकिन यदि एल्कीन कैसी है, देते अपन को असममित दे दे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है तीन कार्बन वाली, प्रो डबल बॉन्ड के लिए E प्रोपी। अब डबल बॉन्ड के इधर तो है CH2 और इधर है CH, इधर तो CH2 है और इधर CH है, दोनों तरफ अलग अलग कंडीशन हो गई, तो ये कैसी एल्कीन है, असममित। अब यदि अपन इसकी क्रिया करवाएंगे आगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX के साथ, तो वहां पर अपन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को नहीं दे सकते। यदि असममित एल्कीन होगी और उसकी क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो अपन को दो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, एक तो मार्कोनिकोफ का नियम, एक तो मार्कोनिकोफ का नियम और दूसरा एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। तो असममित एल्कीन होगी और उसकी क्रिया HX से करवाएंगे, तो अपन ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन को नहीं दे सकते, उसके लिए अपन को फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ, ये अपन बताएंगे कल वाली क्लास में। अब मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ को आप 11th में पढ़ चुके हो, तो आप 11th वाले रजिस्टर से इन नियमों को एक बार देख लेना, ताकि आपको अगली क्लास में ये समझना इजी हो जाए। तो ये अपन अगली क्लास में क्लियर करेंगे।